भारतीय रेलवे के द्वारा आए दिन यात्रियों को सहूलियत पहुंचाने के लिए नए नियम बनाए जाते हैं, तो वहीं कई नियमों में बदलाव भी किया जाता है। इसी बीच रेलवे के द्वारा एक और ऐसे बदलाव किए गए हैं जिसे जानकर ट्रेन से यात्रा करने वाले लोग खुश हो जाएंगे। बता दें कि एक बार फिर रेलवे के द्वारा टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत रेलवे के द्वारा अनरिजर्व टिकट सिस्टम मोबाइल ऐप से होने वाले जनरल टिकट की बुकिंग सिस्टम के दायरे को बढ़ा दिया गया है। जनरल टिकट बुकिंग सिस्टम के दायरे को बढ़ाए जाने के बाद पहले नन सब अर्बन एरिया के रेल यात्री जहां 5 किलोमीटर तक ही जनरल टिकट की बुकिंग करवा सकते थे, वहीं अब वे 20 किलोमीटर तक की दूरी से जनरल टिकट की बुकिंग करवा सकते हैं। इसके साथ ही सब अर्बन एरिया के लोग भी 2 से 5 किलोमीटर तक की दूरी में रहकर जनरल टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पटना समेत कई स्थान है जिसे नन सब अर्बन एरिया में शामिल किया गया है, जिनमें भागलपुर, बांका, जमालपुर, साहिबगंज सहित साहिबगंज, भागलपुर क्यूल और भागलपुर मंदार हिल, हंसडीहा सेक्शन के सभी स्टेशन आते हैं। वहीं अर्बन एरिया में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे शहर आते हैं। बताते चले कि अनरिजर्व टिकट सिस्टम से यात्रियों को प्लेटफॉर्म टिकट, मंथली पास और सीजन टिकट खरीदने में आसानी होती है। इस ऐप का इस्तेमाल करने से यात्रियों का समय बचता है और वे टिकट बूथों पर लंबी लाइनों से बच जाते हैं। अगर आप भी इस ऐप से जनरल टिकट बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से UTS ऐप यानी कि अनरिजर्व टिकट सिस्टम को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इसमें आपको आपके बारे में मांगी गई जानकारी को भरना होगा, जिसमें आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर और ID कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। इस स्टेप को करते ही इस ऐप पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा यानी कि 1-time password। इसके बाद आपको OTP डालकर साइन अप करना होगा, जिसके बाद आपका ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इसके बाद आप UTS लॉग इन करके अपने अनुसार अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। टिकट बुकिंग करने के दौरान आपको मेनू से नॉर्मल टिकट बुकिंग का चयन करना होगा। उसके बाद आप अपने अनुसार वहां प्रस्थान और आगमन स्टेशन के नाम और कोड को दर्ज कर टिकट का प्रकार चुन ले। इसके बाद आपकी टिकट बुकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बीच इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपसे अंतिम चरण के दौरान टिकट के प्रकार पूछे जाते हैं तो उस समय आपकी फोन के स्क्रीन पर 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिनमें पहला ऑप्शन एक्सप्रेस होता है तो वही दूसरा ऑप्शन पोस्टल या पैसेंजर होता है, जहां आप अपने अनुसार अपने टिकट के प्रकार का चयन कर टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।